सोलन जिला पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत आने वाली 244 शाखाओं को बैंक की तर्ज पर ऑनलाइन किया गया है। लोगों की सुविधा के लिए किसी प्रकार के लेन देन करने के लिए लगाई गई मशीनें मुख्य पोस्ट ऑफिस से जोड़ी गई हैं, जिससे लोगों को अब लाइनों में लगने से छुटकारा मिल सकेगा। अभी तक जहां लोगों को पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करवाने और निकलवाने के लिए कतारों में खड़े रहना पड़ता था और वहां मौजूद कर्मचारियों की कार्य क्षमता के अनुसार काम हो रहा था, लेकिन अब लोग सीधी मशीन के पास पैसे जमा करवाने और निकालने का कार्य आसानी से कर सकेंगे। डाकघर सोलन के अधीक्षक हेम शंकर शर्मा ने बताया कि रूरल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत सोलन जिला के तहत 305 पोस्ट ऑफिस की शाखाएं हैं, जिनमें से अभी तक 244 पोस्ट ऑफिस शाखाओं में ये मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्ट ऑफिस का कारोबार बढ़ेगा और लोग भी आसानी से लेन देन कर सकेंगे। सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने के दावों की पोल भी खुलती नजर आ रही है। सोलन की 305 पोस्ट ऑफिस की शाखाओं में से केवल 244 शाखाओं को ही आधुनिक मशीनें मुहैया करवाई गई हैं। बाकी शाखाओं में मौजूदा समय में इंटरनेट न होने का हवाला देते हुए अधीक्षक पोस्ट ऑफिस हेम शंकर ने कहा कि इंटरनेट सुविधा मिलने के बाद शेष शाखाओं में ये मशीनें उपलब्ध करवा दी जाएंगी। हमारे पास रूरल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट आ चुका है, जिसके अंतर्गत जो हमारे शाखा डाकघर हैं उसमें एक हैंड हेल्ड डिवाइस दी गई है, जिसमें ट्रांजेक्शन इंटरनेट लिंक्ड है। जो भी ट्रांजेक्शन उस मशीन के माध्यम से की जाती है उसका डाटा सीधा सेंट्रल सर्वर में चला जाता है। तो हमारे पास कुल 305 शाखाएं हैं, जिसमें से 244 में ये मशीन दे दी गई है और जगह नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है, नेट की प्रॉब्लम है, उसको भी रिजॉल्व किया जा रहा है अन्य ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प से। और हम आशा करते हैं कि कुछ समय बाद हम 305 ब्रांचों में सभी में नेट बेस्ड ये जो हैंडहेल्ड डिवाइस है इसको देंगे और ये हमारी मशीन कार्य करेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा में और अधिक सुधार होगा, इम्प्रूवमेंट होगा।